नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स मेंस पेपर 5 की, और इसके संबंध में एक प्रश्न जो बड़ा बेसिक सा प्रश्न है उसको मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। देखिए, इकोनॉमी में सबसे बड़ी तकलीफ कह लीजिए या सबसे बड़ी खासियत कह लीजिए कि इसके जो शब्द होते हैं, इसकी जो शब्दावली है वही विद्यार्थियों को भ्रमित कर देती है। और यहाँ CGPSC का जो पैटर्न है कि भाई इकोनॉमी का प्रीलिम्स में वेटेज बहुत कम कर देना और मेंस में वेटेज अचानक से बढ़ा देना, साथ ही साथ ना सिर्फ पेपर 5 में बल्कि पेपर 2 में आप देखेंगे कि एक इकोनॉमी से रिलेटेड निबंध आता ही आता है। ठीक है, तो हमको इसको किस प्रकार से डील करना है, एक प्रश्न के माध्यम से आज हम एक डेमो की तरह देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो शब्दों पर थोड़ा फोकस करिएगा कि सबसे पहले तो हम किसका मतलब समझें, हम अर्थव्यवस्था का मतलब समझें। क्लियर है, हम समझें इकोनॉमी का मतलब क्या है। तो अर्थशास्त्र यानी धन का शास्त्र, धन से संबंधित जितनी भी थ्योरिटिकल बातें हैं वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगी। तो जितनी भी थ्योरिटिकल बातें आप पढ़ते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपकी इकोनॉमिक्स कहलाएंगे, अर्थशास्त्र कहलाएंगे। लेकिन जब इसको आप किसी क्षेत्र के साथ जोड़ देते हैं, किसी एरिया के साथ जोड़ देते हैं, जैसे आपने अर्थशास्त्र को छत्तीसगढ़ के साथ जोड़ दिया तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था हो गई, क्योंकि अर्थशास्त्र एक थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट है और अर्थव्यवस्था एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। यानी अर्थशास्त्र के थ्योरिटिकल ज्ञान को जब आप किसी क्षेत्र विशेष के साथ जोड़ करके उसका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं तो वह क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। और ऐसी दो प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं मूल रूप से पाई जाती हैं, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर है, तो आज देखेंगे हम पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। भारत के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है, तो दोनों का मिश्रण है भारत में। क्लियर है, देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो यदि आपके पास स्पेस परमिट कर रहा है तो आप आराम से इस प्रकार से डिफरेंशिएट करके भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हम रख रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और यहां पे हम रख रहे हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब अर्थव्यवस्था का हम मतलब समझ गए हैं कि अर्थशास्त्र यानी धन का शास्त्र, यानी धन से संबंधित जो भी प्रैक्टिकल चीज होगी, जो भी एक एरिया के साथ जुड़ करके आ रही होगी वो क्या कहलाएगी, अर्थव्यवस्था कहलाएगी। और यदि यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भी बात कर रहे हैं या समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो विश्व में ऐसे कुछ देश हैं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, विश्व में ऐसे कुछ देश हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, और भारत दोनों का मिक्स अपनाता है यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम नाम पर फोकस करेंगे, और नाम पर फोकस करने के साथ ही हमको यहां से अपना पहला पॉइंट मिल जाएगा कि ये पूंजी यानी इसका जो फोकस पॉइंट होगा वो कैपिटल पर होगा यानी पूंजी पर होगा। क्लियर है कि नहीं, और दूसरा इसका जो फोकस होगा वो किस पर होगा, समाज पर होगा यानी सोसाइटी पर होगा या पब्लिक पर होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहां पर आ रहा है, जो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर आ रहा है वो क्या है कि यह अर्थव्यवस्था लाभ पर केंद्रित है। दिस इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट, यह अर्थव्यवस्था लाभ पर केंद्रित है। वहां इस पर क्या लिखेंगे, यह अर्थव्यवस्था समाज पर केंद्रित है, यह अर्थव्यवस्था समाज पर केंद्रित है। कहने का मतलब ये लाभ कमाने के बारे में सोच रही है और ये समाज के बारे में सोच रही है। कहने का मतलब यह है कि यहां मांग और पूर्ति के आधार पर यह कार्य करती है। भाई आप देखिए, सिंपल सी बात है कि जो भी मार्केट है वहां, आप सिंपल गांधी चौक की भी बात कर लें तो गांधी चौक की जो अर्थव्यवस्था है वो मांग और पूर्ति पर है। वहां आपको वही दुकानें दिखाई देंगी जो स्टूडेंट्स की डिमांड में, ज्यादातर वहां आपको पुस्तक की दुकानें दिखाई देंगी या चाय के ठेले दिखाई देंगे या नाश्ता सेंटर्स दिखाई होंगे या पान ठेले दिखाई देंगे। तो ये सारे की सारी जो चीजें हैं ये स्टूडेंट्स की मांग पर डिपेंड करती है और उनकी मांग के आधार पर ही उसकी पूर्ति की जाती है, क्योंकि फोकस कहाँ है, लाभ कमाने पर फोकस।
क्लियर है कि नहीं? भले ही प्रॉफिट के अंदर डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन उस डिस्काउंट के अंदर भी क्या कमाया जा रहा है? प्रॉफिट कमाया जा रहा है, यानी डिस्काउंट देकर भी प्रॉफिट कमाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात लेकर के चले कि भाई मान लीजिए 500 रुपए प्रिंट रेट है किसी किताब का, और इसको कहा जा रहा है कि भाई 50% डिस्काउंट पर दे रहे हैं, यानी 250 रुपए में दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? अच्छा 250 रुपए में दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल इसकी कीमत कितनी है जो बुक विक्रेता को पड़ी है? 100 रुपए। तो वैसे वो कितना कमा रहा है इसमें? 150 रुपए। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमारे देश में लीगल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक, यहां पर जो सिद्धांत काम करता है वो किस पर काम करता है? मांग और पूर्ति पर काम नहीं करता, वो समाज की आवश्यकता पर काम करता है। समाज की आवश्यकता पर काम करता है, वर्क्स ऑन द नीड ऑफ द सोसाइटी, कि भाई समाज क्या चाहता है, समाज की जरूरतें क्या है। इसलिए आप देखेंगे कि जहां बाहर में राशन की दुकानें हैं, वहीं सरकारी राशन दुकानें भी हैं जो कम कीमत पर आपको अन्न दाल भोजन उपलब्ध कराती है। तो सरकारी राशन दुकान किसका एग्जाम्पल हो गया? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। और निजी जो दुकानें हैं, किराना स्टोर है, वो किसका एग्जाम्पल हो गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। तो यहां पे आप देखेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल कि भाई हमको ये चीज समझ में आ गई कि यहां अर्थव्यवस्था पर मुख्यतः किसका नियंत्रण दिखाई देता है? सरकार का नियंत्रण दिखाई देता है। लेकिन जैसे हमने यहां पे गांधी चौक का एग्जाम्पल लिया, तो यहां किसका नियंत्रण दिखाई देता है? निजी क्षेत्रों का नियंत्रण दिखाई देता है। क्लियर है कि नहीं? कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक, तो हमने देखा कि कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर यहाँ, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। इसलिए आप देखेंगे कि पॉलिटी के अंदर हम पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। ये वो निर्देश हैं जिनके आधार पर राज्य को काम करना होता है। क्लियर है कि नहीं? और यही इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो पालन करने का आधार होता है वो समाज कल्याण होता है। यानी एक प्रश्न आता है कि भाई वेलफेयर स्टेट की या समाज कल्याण की संकल्पना किसमें नहीं थे? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं थे। यानी सरकार जो भी योजना बनाएगी, उसका उद्देश्य क्या होगा? सोशल वेलफेयर होगा या समाज कल्याण होगा। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर जब सरकार का नियंत्रण है तो सरकार इस अर्थव्यवस्था में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हुए, नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हुए समाज कल्याण पर केंद्रित होती है। यानी Here in the socialist economy, the government focuses on the public welfare because the government works according to the directive principles of the state policy. Clear है कि नहीं? अच्छा, यहां हम बात करें तो सर यह काम करती है प्राइज मैकेनिज्म पर। किस पर काम करती है? प्राइज मैकेनिज्म। प्राइज मैकेनिज्म का कहना का मतलब क्या है कि एक चीज का दाम, यदि उसकी मांग बढ़ती है तो उसका दाम बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे आपने कोविड में देखा कि मास्क के दाम बढ़ गए, सैनिटाइजर के दाम बढ़ गए, और उसके बाद सरकार को नियंत्रण लाना पड़ा कि भाई मास्क और जो सैनिटाइजर है उसके उन्होंने, सरकार ने दाम फिक्स कर दिए। तो ये जो सरकार के द्वारा दाम फिक्स किया जा रहा है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और जो निजी लोगों के द्वारा लूट मचा रखी थी, जब भाई डिमांड बढ़ी तो उसका रेट बढ़ा दिया, ये आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और भारत में देखिए दोनों का मिक्स आपको दिखाई देता है कि जहां पूंजीवाद हावी होने लगता है वहां सरकार क्या लाती है? नियंत्रण लाती है। कोविड इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जहां मास्क और सैनिटाइजर के जो कॉस्ट है उस पर नियंत्रण लगाने का काम किसने किया? सरकार ने काम किया, उसको एसेंशियल गुड्स में डाल करके। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर ये प्राइस मैकेनिज्म पर काम करती है, यानी मूल्य के सिद्धांत पर काम करती है। इसके काम किस पर काम करती है? मूल्य के सिद्धांत पर। और ये किसके सिद्धांत पर काम करती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत पर काम करती है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर हमने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में चार महत्वपूर्ण अंतर हमको क्या क्या दिखाई देते हैं कि यह अर्थव्यवस्था लाभ पर केंद्रित है और यह समाज पर केंद्रित है। इसमें मांग और पूर्ति के आधार पर कार्य होता है, इसमें समाज के
आधार पर या समाज की मांग के आधार पर कार्य होता है, क्लियर है कि नहीं, समाज की आवश्यकता के आधार पर कार्य होता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। यहां निजी क्षेत्रों का क्या है, नियंत्रण है, कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, हियर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इज देयर। उसके अलावा यहां प्राइस मैकेनिज्म यानी मूल्य सिद्धांत पर ये काम करते हैं और ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों के आधार पर काम करते हैं, यानी सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, समाज कल्याण की बात करते हैं, क्लियर है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आपका ब्रिटेन, जहां से पूंजीवाद की शुरुआत हुई थी, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, खूब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो सिर्फ और सिर्फ लाभ पर फोकस है, क्लियर। और इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने भारत में भी यही पॉलिसी अपनाई, इसलिए भारतीयों का खूब शोषण हुआ नील की खेती के संबंध, भले ही खेत की उर्वरकता खत्म हो जाए तो खत्म हो जाए, लेकिन किसान को उसके लिए बाधित किया गया क्योंकि वहां क्या दिखाई दे रहा था, लाभ दिखाई दे रहा था, क्लियर है। ब्रिटेन, यूएसए, पहले जो सोवियत संघ था वो समाजवादी था और हमने जो समाजवाद का कॉन्सेप्ट ग्रहण किया, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो ये कॉन्सेप्ट ग्रहण किया, ये रशिया से ही ग्रहण किया, लेकिन रशिया उस समय क्या था, रशिया के साथ और भी दूसरे देश थे जो सोवियत संघ कहलाते थे, सोवियत यूनियन कहलाते थे। तो पूर्व सोवियत संघ या पूर्व सोवियत यूनियन समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक एग्जाम्पल है जो समाज कल्याण पर फोकस करता है, और इसलिए आप देखेंगे कि हमने रूस से ही पंचवर्षीय योजनाओं को भी लिया, 5-year plan, और 5-year plan जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, जिसमें सरकार नियम बनाती है अर्थव्यवस्था से संबंधित, क्लियर है कि नहीं। और यहां ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, और अब जो है रशिया बिल्कुल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता है। इसमें एक एग्जाम्पल अभी के संदर्भ में दिखाई देता है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट स्टेट है, और पूरा जो नियंत्रण है वो सरकार का वहां पर दिखाई देता है, तो पूरा नियंत्रण सरकार का है, सरकार ही क्या कर सकती है, दामों में, कीमतों में बढ़ाओ, पूर्ति में, मांग में, दोनों में बदलाव कौन कर सकती है, सरकार कर सकती है, लेकिन यहां जो मांग और पूर्ति का सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ लाभ पर केंद्रित होता है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा, और इसी आसान तरीके से हम इकोनॉमी को पढ़ने का प्रयास करते हैं अपनी मेंस की क्लास में। तो आइए आप और हम आकर के 24 मई से जो शुरू होने वाली हमारे इंटीग्रेटेड बैच है और हमारा जो मेंस का जो बैच अभी चल रहा है उसमें आए और बिल्कुल आप डेमो बैठ करके देखें और पूर्ण संतुष्टि के बाद हमसे जुड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के परिवार की तरफ से। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।